हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हम इन शॉर्ट DSSB कहते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अंडर है और इन्होंने 5 मार्च को एक वैकेंसी नोटिस इशू किया था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें उन्होंने बहुत सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली थी और वैकेंसी नोटिस देख रहे हैं आप। इसमें इनकी ओपनिंग डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की 19 मार्च 2024, और क्लोजिंग डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, 17 अप्रैल। तो ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम दिया इन्होंने। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल ऑटोनोमस बॉडीज अंडर गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो इसमें सीरियल नंबर 1-2 करके बहुत है, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूं। ये देखिए सीरियल नंबर 26, पोस्ट कोड है 34/24, पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड D, डिपार्टमेंट जिसमें उनको चाहिए स्टेनोग्राफर्स वो है MCD, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। ग्रुप C की वैकेंसी है और 188 वैकेंसीज हैं टोटल। वैकेंसीज का डिटेल्स इन्होंने ब्रेकअप यहां दिया है, लेकिन मैं आपको आगे भी इसका ब्रेकअप दिखाऊंगा। और ये नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब इसमें देखिए आप सीरियल नंबर 58 पर पोस्ट कोड है 66/24, पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट, डिपार्टमेंट है DSIIDC और ग्रुप B की वैकेंसी है ये, और इसमें 4 पोस्ट हैं। और सीरियल नंबर 59 पर पोस्ट कोड है 67/24, पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट हिंदी और डिपार्टमेंट है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड। इसमें ये वैकेंसी है ग्रुप C की और इसमें 1 ही वैकेंसी है। बाकी डिटेल्स हम आगे देखते हैं। देखिए स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पहले तो पोस्ट कोड देख लीजिए 34/24, स्टेनोग्राफर ग्रेड D, डिपार्टमेंट मैंने बताया था MCD ऑफ दिल्ली, MCD, और ये है 77 UR हैं, 51 OBC हैं, 28 SC हैं, 14 ST हैं, EWS 18 हैं, टोटल 188 हैं, ठीक है। उसके बाद जिस ये PWBD जो है उसमें कौन कौन सी कैटेगरी अप्लाई कर सकती है वो भी इन्होंने दिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस और पोजेस वन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स। मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सच यूनिवर्सिटी एज इक्विवेलेंट टू इट्स मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। तो इसकी रिक्वायरमेंट है मैट्रिकुलेशन। उसके बाद है द एग्जामिनेशन हेल्ड बाय ए स्टेट एजुकेशन बोर्ड एट द एंड ऑफ सेकेंडरी स्कूल कोर्स फॉर द अवार्ड ऑफ ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल और एनी अदर सर्टिफिकेट विच इज एक्सेप्टेड इक्वलेंट टू मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर एंट्री इन टू सर्विसेज। उसके बाद कैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, 10th क्लास, ये सभी ऑलमोस्ट बराबर हैं। उसके बाद देखिए द कैंडिडेट्स विल बी गिवन ए डिक्टेशन टेस्ट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट का टेस्ट है इसमें। स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट एंड 40 वर्ड्स पर मिनट टाइप राइटिंग इन इंग्लिश, स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट एंड 35 वर्ड्स पर मिनट टाइप राइटिंग इन हिंदी। उसके बाद डिजायरेबल में कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं चाहिए, ना ही एसेंशियल ना ही डिजायरेबल। पे स्केल इन्होंने दिया हुआ है, ग्रुप C की वैकेंसी है पे लेवल 4 में। एज लिमिट है 18-27 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 7। अब देखिए पर्सनल असिस्टेंट, इस पोस्ट का कोड है 66/24, डिपार्टमेंट DSIIDC और वैकेंसीज मैंने बताया था जैसे 4 हैं, UR 3 हैं और 1 OBC है। उसके बाद देखिए आप असेंशियल में है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट,
दूसरा है स्किल टेस्ट नॉर्म्स, डिक्टेशन ऑफ 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 40 मिनट्स इंग्लिश। डिजायरेबल कुछ नहीं है इसमें क्वालिफिकेशन में और ना ही कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। पे लेवल इसका जो है 6 है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। एज लिमिट इज अप टू 30 ईयर्स, एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 7। उसके बाद नीचे देखिए पोस्ट कोड 67/24, ये है पर्सनल असिस्टेंट हिंदी की वैकेंसी, ए की वैकेंसी है इसमें यूआर की, और डिपार्टमेंट है इसका दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड। और उसके बाद आप देखिए इसकी रिक्वायरमेंट एसेंशियल में है ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग, शुड बी अ कंप्यूटर लिटरेट एंड कैपेबल टू वर्क ऑन लीप ऑफिस, अक्षर पैकेज, एमएस वर्ड। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, एसेंशियल या डिजायरेबल एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और ये भी जो है ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेकिन पे लेवल इसका भी 6 है, दोनों सेम है पे लेवल हिंदी और इंग्लिश का। एज लिमिट है इसमें अप टू 27 ईयर्स, एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 7। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ यही है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज एक्सपीरियंस जो भी है वो कट ऑफ डेट जो है उसकी 17th अप्रैल है, जो कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है। हाउ टू अप्लाई में इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, और आप जो लास्ट डेट है वो तो आपको मालूम है 17th अप्रैल 2024। ऑनलाइन मोड में देनी है, किसी और मोड में आपको एप्लीकेशन नहीं देनी। इस पेज पर देखिए नंबर 6 में बोल्ड किया हुआ है, वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन मॉडिफिकेशन विल बी एंटरटेन्ड और अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सो कैंडिडेट्स केयरफुली भरें इसको ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट देखिए, ₹100 ओनली। विमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है इम्पॉर्टेंट। अब आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में पोस्ट कोड 34/24 जो स्टेनोग्राफर की है उसको देखिए, इसमें 2 घंटे का एग्जाम है 200 मार्क्स का, जिसमें आएंगे जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, बेसिक फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन। ये 200 क्वेश्चंस हैं और 200 मार्क्स के। ये एग्जामिनेशन स्कीम है जो अप्लाई करती है पीए की पोस्ट के लिए, इसमें भी 2 घंटे का एग्जाम है, टोटल क्वेश्चंस 200, और इसमें भी सिलेबस देखिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें भी 200 मार्क्स के होगा जो एग्जाम। ये उन्होंने नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। एक तो नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग एमसीक्यू आंसर। उसके बाद लिंक फॉर मॉक टेस्ट विच ऑल्सो इंक्लूड इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स अबाउट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। कैंडिडेट्स जो भी भरे फॉर्म को वो प्लीज इसको देख लें, मॉक टेस्ट को। उसके बाद स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट विल बी टेकन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 tier एंड 2 tier एग्जामिनेशन स्कीम एज पर एग्जामिनेशन स्कीम। और
मार्क्स ऑब्टेन्ड सॉरी मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय DSSB। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, बाकी कैंडिडेट्स आप इसको और भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ आंसर की के बारे में इन्होंने दिया है कि डिस्प्ले की जाएगी वेबसाइट पर, और जो उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए वो भी इन्होंने दिए हैं कैटेगरी वाइज, वो आप यहां से देख लीजिएगा। और इफ देयर आर टू और मोर कैंडिडेट्स इन द सेम कैटेगरी आर हैविंग इक्वल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, उसके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इस पेज पर उन्होंने रिजर्वेशन बेनिफिट्स के बारे में बताया है, और ये मैं पहला आपको पढ़ देता हूँ। रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल टू SC ST OBC EWS PWBD एक्स सर्विसमैन एंड अदर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर सर्कुलर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली DOPNT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कैंडिडेट हैज टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर कैटेगरी व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट। No request for change of category will be entertained at any later stage. Ye cut-off date will be the closing date of application for ascertaining the eligibility of the candidates for extension of any benefits wherever applicable. Ye provision hai age relaxation ka for different categories. Aur isme SC, ST, OBC sabhi aap dekh rahe hain, departmental sab ke bare mein likha hai. और इसमें लास्ट में है विडोड डाइवोर्स वीमेन, वीमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, इसके बारे में भी उन्होंने दिया है। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स के लिए, सभी कैंडिडेट्स प्लीज इसको पढ़ लें। एक जो नंबर 6 पर है मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, ओनली वन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज अलाउड टू बी सबमिटेड बाई ए कैंडिडेट। Therefore, candidates must exercise due diligence at the time of filling their online registration forms. In case more than one registration of a candidate is detected, all such registrations will be rejected and his/her candidature for the examination will be cancelled. If a candidate submits multiple registrations and appears in the examination at any stage more than once, His/her candidate will be cancelled and he/she will be debarred from the examinations of the board. ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद vacancies, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये NCT गवर्नमेंट ऑफ NCT की हैं और पोस्टिंग भी इसकी NCT के अंदर ही रहेगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं कहूँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो NCT में रहते हैं या NCT में रहना चाहते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है स्टेनोग्राफर वाले में कि इंग्लिश और हिंदी दोनों चाहिए या एक चाहिए, क्योंकि कहीं उन्होंने और नहीं लिखा, जो एक मेरे को डाउट लग रहा है इसमें। अदरवाइज अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे हो सकता है आपको उसमें ये चीज मिल जाए कि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मांग रहे हैं या दोनों में से एक चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरना चाहते हैं प्लीज इसको, 19th मार्च से शुरू होगा, 17th अप्रैल तक है, और जितनी जल्दी हो वो अप्लाई कर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू।